जेम्सन ज्वेलरी एग्जीबिशन का उद्घाटन, राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने किया उद्घाटन। मूल्यवान विशिष्ट व्यापारियों के लिए पूरा करेगा प्लेटफॉर्म। ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन द्वारा आयोजित रूट B2B जेम्स एंड ज्वेलरी एग्जीबिशन का उद्घाटन राज्य गृह मंत्री हर्ष संघवी के द्वारा किया गया। सूरत ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन और सूरत ज्वेलरी टेक फाउंडेशन 16, 17 और 18 दिसंबर 2023 के दिन सूरत इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सारथना स्थित रूट B2B जेम्स एंड ज्वेलरी एग्जीबिशन का 3G आवर्ती का आयोजन किया गया। 16 दिसंबर 2023 के दिन रूट का उद्घाटन समारोह किया गया, जिसमें श्रीमती दर्शना बहन जरदोश, माननीय केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री तथा हर्ष संघवी, गुजरात राज्य गृह मंत्री दक्षेश मवानी, महापौर दिनेश भाई नावाड़िया, भारतीय डायमंड संस्था के राजेश भाई मेहता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश एक्सपोर्ट्स श्री विजय मांगुकिया, प्रादेशिक अध्यक्ष DJEPC जगदीश भाई, फूड प्रमुख वल्लभ भाई पटेल, अध्यक्ष श्री करक भाई मिश्री, प्रताप भाई चावड़िया प्रमुख, सलीम भाई दागिना वाला प्रमुख, SK श्री मुक्त मेहमान और सम्मानित अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। जेम्स एंड ज्वेलरी के सभी कर्मचारी उद्घाटन में उपस्थित रहे। जेमने सीवीडी मां सस्टेनेबल डायमंड्स मां सूरत शहर ने खूब मोटू नाम आप्यु छे, एवा ग्रीन लैब ना MD श्री मुकेश भाई पटेल, फोगवान अमारा साथी अशोक भाई, श्री सलीम भाई, श्री किशोर भाई वगासिया, जेमने विचार ने जमीन पर उतारी ने रूट्स ज्वेलरी ने सक्सेसफुल मॉडल बनावामां रात दिवस मेहनत करी छे, एवा आदरणीय श्री जयंतीभाई सावलिया, श्री जगदीश भाई खूट, GJEPC ने खरा अर्थे साचा विषयों ने साची जगह पर रजू कर, नो ब्रांडिंग ओनली वर्क, एवा श्री विजय भाई मांगुकिया, अमित भाई कोरटिया, श्री कमलेश भाई, श्री महेश। सूरत ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन और सूरत ज्वेल टेक फाउंडेशन द्वारा डायमंड सिटी सूरत में रोट्स या भारत का अनोखा B2B प्रदर्शनी आयोजित किया गया। ये एक संपूर्ण B2B एक्सपो है, जो उत्पादकों को संपूर्ण विक्रेताओं, सप्लायर और खरीदारों के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ने और स्टॉप सॉल्यूशन होगा। ये जो SMA ने डिजाइन किया है, रूट्स करके एग्जीबिशन है, और यहाँ पे हमारे जो मेंबर्स है 150 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स है, और मशीनरी डिपार्टमेंट है जो बॉम्बे से पार्टिसिपेट हुए, जैसे इंडिया के कोने कोने से यहाँ पे पार्टिसिपेशन आई है, और एग्जीबिटर्स भी मैक्सिमम 45 से ज़्यादा जो सिटीज़ है वहाँ से यहाँ पे विजिटर्स के लिए लोग आए। और ये सबसे बड़ा माध्यम है कि इसमें 100% मैन्युफैक्चरर पार्टिसिपेशन है, और इंडिया का सबसे बड़ा इसलिए है कि ये 100% मैन्युफैक्चरर्स ही है, यहाँ पे कोई ट्रेडर्स नहीं है, यहाँ पे कोई और कोई लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं है एग्जीबिटर की ओर से, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जो भी बायर्स है उनके लिए ये इतना प्राविधान हो सकता है कि उनको इजीली सब मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल हो जाए। दूसरी बात बोले कि जैसे SDB सूरत डायमंड बूस वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिल्डिंग होने जा रहा है, और उसका ओपनिंग भी कल है, यहाँ पे मोदी साहब खुद आ रहे हैं, तो जैसे डायमंड का हब है वैसे फ्यूचर में सूरत ज्वेलरी का भी हब बने जा रहा है, और इसके लिए ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। यस, 2023 की बात करें तो मैं ऐसे बोलना चाहूँगा कि जो कंपनियाँ हैं उसका भी ग्रोथ उस तरीके से हो रहा है, और कंपनियाँ भी बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरर बढ़ रहे हैं, और लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे हमारी पूरी नीड यहाँ से फुलफिल हो सकती है। जो आयोजन किया है रूट्स करके एग्जीबिशन है, ROOTZ रूट्स करके,
जिसका मीन्स ये है कि यहाँ पे सारे मैन्युफैक्चरर्स है, 100% मैन्युफैक्चरिंग करती कंपनियाँ इसके अंदर पार्टिसिपेट है, और जो कंपनियाँ मोस्ट ऑफ अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करती है और खुद के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है। जैसे जैसे सूरत डायमंड सिटी था, टेक्सटाइल सिटी था, वैसे ज्वेलरी का भी हब बन रहा है, और यहाँ पे 200 से ज़्यादा पार्टिसिपेट है, और ये जो पार्टिसिपेशन है उसमें सारी क्रिएटिविटी शो की जाएगी ज्वेलरी की ओर से। रूट अत्यंत मूल्यवान और विशिष्ट व्यापार खरीदारों के लिए एक प्लेटफॉर्म पूरा करेगा, जिससे कीमती जेम्स एंड ज्वेलरी डिजाइन का प्रशंसनीय प्रदर्शन किया जाएगा। 250 से ज्यादा प्रदर्शनी है, 10,000 से ज्यादा व्यापारी और विजिटर्स 45 शहरों से यहां पर खरीदार इस एग्जीबिशन में आने वाले हैं। जेम्स एंड